मिलेगा। हम संघर्षों का सामना कर रहे हैं मगर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी उन संघर्षों का सामना ना करे। आज यदि तुम कायर डरपोक बनकर के जीवन जियोगे, तुम्हारे घरों में चेतनावान संतानों की बच्चे बच्चियों के का जन्म कभी नहीं होगा। फिर तुम कहोगे बेटे बेटी हमारा सम्मान नहीं करते। उस सम्मान के लायक आपने जीवन जिया है, निर्भीकता का जीवन आपने जिया है, एक शराब की बोतल पर चंद रुपयों में आप अपना वोट बेच देते हो, इस धरती मां को मां कहते हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर। जिसे मां कहकर संबोधित करते हैं, धरती मां कहते हैं, सुबह उठते हैं जिसे नमन करते हैं, उसी का देश के लोग शोषण कर रहे हैं। चंद अधर्मी अन्यायी उद्योगपति, राजनेता, व्यवसायिक प्रशासनीय अधिकारी नोच नोच करके खा रहे हैं और मानवता मौन बैठी है, शांत बैठी है, आवाज नहीं उठाना चाहती। तुम्हारी मां के साथ कोई गलत करे क्या करोगे? शांत बैठे रहोगे, आवाज नहीं उठाओगे? भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तुम्हें क्या भारत माता की जय बोलने का अधिकार है जब तुम खुद बिकाऊ हो, शराब की बोतलों पर अपने वोट को बेच देते हो, चंद पैसों में अपने वोट को बेच देते हो? यह हमारी जाति का है, हमारे समाज का है, इसलिए बिक जाते हो? आंखें खोलो, सोच पैदा करो। हम जिसे राष्ट्र माता कहते हैं, मां कहकर के पुकारते हैं, वह हमारे लिए अपनी सगी मां के समान है, उससे भी बढ़ करके है। हम अपनी सैकड़ों माओ के, यही तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने करके दिखाया। एक ने हम सैकड़ों अपनी जन देने वाली मां को कुर्बान कर सकते हैं मगर भारत बापर आज किसान पर कोई धब्बा नहीं लगने देंगे, उसके साथ कुछ गलत नहीं करने देंगे। हंसते हंसते हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों फांसी पर झूल गए क्या? इसीलिए ऐसी आजादी वो चाहते थे कि समाज का शोषण धर्माधिकारी भी करें, राजनेता भी करें, भ्रष्ट बेईमान प्रशासनिक अधिकारी करें, कुछ चंद उद्योगपति करें और मानवता सुनती रहे, देखती रहे। आज क्या हम गुलाम नहीं है? आज भी आप गुलामों का ही जीवन जी रहे हो क्योंकि तुमने अपने आप को स्वतंत्र किया ही नहीं, बेईमानों के हाथों पर बिक रहे हो। अधर्मी अन्याय धर्मगुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं समाज से कहता हूं, तुम किसी संस्था से जुड़े हुए हो, मेरी आवाज जहां तक जाती है सीधा प्रसारण का साधारण चैनल के माध्यम से हो रहा है, हर मंचों से कहता हूं, अपनी अपनी संस्थाओं के बीच आवाज उठाओ कि हां ऐसा एक आयोजन होना चाहिए जहां पर सत्य का परीक्षण किया जा सके। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने भी शास्त्र